والسلام على النبي الأمي المكي المدني الفرشي الهاشمي التهماني سيد البهي السراج المضي الكوكب الدرين البشير النذير السراج المنير الطاهر الطاهر الغر الفاخر الغني الزاهر الغني الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسلطن المصطفى الامجد حبيب الله العالمين जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है, जिसकी आयात को हरूफ को देखना भी इबादत है। इतनी अजीम किताब, उसमें साफ लफ्ज़ों में इरशाद हुआ कि बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। यह दीन के जिसमें बहुत सारी चीज़ें सिमटी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी दीन में खातून की जो अहमियत बताई गई है, एक औरत की जो शान बयान की गई है, वो भी एक अलग तरीके से बयान की गई है कि खातून की क्या शान है, एक औरत क्या क्या मर्तबा है। देखिए, दुनिया समझती है कि दीन ने औरत को कैदी बनाया है, दीन ने औरत को पाबंद बना दिया है, दीन ने औरत को एक जेल में रखने के लिए हुक्म दिया है। ऐसा नहीं है। दीन ने औरत की अहमियत को बताया है, इसलिए कि दुनिया समझती है कि चादर सर पे डाल लेना ये पाबंदी है, बुरका पहन लेना ये कैद खाने की अलामत है। ऐसा नहीं है। इसलिए कि हर कीमती शय पर्दे में रखी जाती है। दीन का मसला ये कि हर कीमती शय पर्दे में रखी जाती, जो जितनी कीमती होगी उसे उतना ही छुपा के रखा जाता है। अब आप इस्लाम में समझिए कि खातून की क्या इज्जत है, खातून का क्या मर्तबा है। जो जितनी चीज़ अहम होगी उसको उतना ही पर्दे में रखा जाएगा। आप ज़रा देखें, आप गाड़ियाँ लाते हैं लेकिन उन गाड़ियों को आप लॉकर में नहीं रखते हैं, लेकिन जब हीरे जवाहर सोना चांदी लाते हैं तो आप उसे छुपा के रखते हैं, उसे नहीं सजाते हैं। क्यों? का कीमती अशिया को सजाया नहीं जाता है,
वो सजावट के लिए नहीं है, वो पर्दे के लिए, उसे पर्दे में रखा जाता है। तो आप समझे कि जो भी इंसान जिसे कीमती समझता है उसे पर्दे में रखता है। आप समझे कि अल्लाह ने इमाम को पर्दे में क्यों रखा है, क्योंकि एक अहम शय का नाम है, एक कीमती शय है। और कर रहे हैं आप, इमाम जो कायनात के आमद का, कायनात बनने का सबब है, कायनात बनने का ज़रिया है, जिसका सदका है कायनात। और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, तो आप इस्लाम में, ये थोड़ी सी तमीद है ताकि आने वाले आ जाएं तो बात शुरू हो जाए, इस्लाम में खातून की बड़ी इज्जत है, बड़ी अहमियत है। लेकिन हाँ, वो औरत औरत हो, वो औरत मर्द बनने की कोशिश ना करे। भाई जो पहुंच रहा है वो तायीद करता रहे, वो औरत औरत रहे, वो औरत मर्द बनने की कोशिश ना करे तो इज्जत है। अब आपके अजहान के हवाले एक जुमला करता हूँ और देखता हूँ आप अब तक मुतवज्जे हुए या नहीं हुए हैं। आप देखिए, इस्लाम का आज जो दुनिया में नाम हुआ, देखता हूँ कितना मुतवज्जे हुए। आज तो पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम हुआ, उसके पीछे भी एक औरत का हाथ है। और जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम है, उसके पीछे भी एक औरत ही का हाथ है। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद का। उसके पीछे भी एक औरत ही है। अब आप कहेंगे, जब दोनों औरतें हैं, दोनों खातून हैं, इस्लाम का नाम करने वाली भी वो भी खातून है, इस्लाम को बदनाम करवाने वाली वो भी खातून है, तो जब दोनों खातून हैं तो पहचाना कैसे जाए कि इस्लाम को बदनाम किसने किया और इस्लाम का नाम किसने कराया? तो पहचान के लिए रखा गया है मकान और मैदान। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे खास मंजिल तक आना है, बस आप मुतवज्जे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खास मंजिल तक आना है। तो खातून की बड़ी इज्जत है, खातून की बड़ी अहमियत है, लेकिन हाँ, मकान वाली हो, मैदान वाली ना हो। तो ऐसी खातून की इस्लाम में बहुत इज्जत है, वो बहुत मोहतरम है। अगर खातून की कोई इस्लाम में इज्जत ना होती, अगर खातून का कोई एहतराम ना होता, अगर खातून का कोई मर्तबा ना होता, अगर औरत की कोई शान ना होती, तो अल्लाह कभी हर बड़े काम में एक मर्द के साथ एक औरत को ना रखता। भाई अब थोड़ा सा जाग जाइएगा, अल्लाह ने हर बड़े काम में एक मर्द के साथ एक औरत को रखा। आप कहेंगे दलील, तो मैं दलील के तौर पे याद दिलाता हूँ आपको कि हर बड़े काम में अल्लाह ने मर्द के साथ एक औरत को रखा है। जब इस्लाम की बुनियाद रखने की बात आई तो नबी के साथ खदीजा को रखा, जब इस्लाम फैलाने की बात आई तो अली के साथ फातिमा को रखा, और जब इस्लाम बचाने की बात आई तो हुसैन के साथ जैनब को रखा। गौर कर रहे हैं आप, भाई खातून की इतनी अहमियत है, खातून का इतना मर्तबा है, औरत की इतनी शान है कि हर बड़े काम में अल्लाह ने एक मर्द के साथ एक औरत को रखा है। भाई नबी के साथ खदीजा, अली के साथ बतूल, हुसैन के साथ जैनब। आप देखिए, अगर औरत ना होती तो आज ये अजा हम तक ना पहुंचती, अगर एक खातून ना होती तो शायद इस्लाम ना बचता, अगर खातून ना होती तो शायद ये इस्लाम की बुनियाद ना रखी जाती। हर बड़े काम में खातून का साथ लिया गया है। आप मुतवज्जे है ना, खातून के जरिए, आप तारीख पढ़ के देख ले, तारीख पढ़ के देख ले कि खातून के जरिए से। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूंगा कि देखिए, हर खातून की इस्लाम में इज्जत है, खातून की इज्जत है, लेकिन वो खातून खातून हो, मैंने अभी कहा था, वो खातून मर्द बनने की कोशिश ना करे तो ही उसकी इज्जत है, इज्जतदार बनने की कोशिश करे तो ही वो इज्जत है। अब देखिए, खातून की बड़ी इज्जत है, बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है, लेकिन जो कनीजिया सैयदा में आके मर्तबा मिलता है, वो खाली खातून कोई भी हो, वो बादशाहत में मर्तबा नहीं है, वो शहनशाहियत में मर्तबा नहीं है। आप कहेंगे दलील, दलील ये है कि जनाबे फिजा जब तक मालिकिन बनके रही, सर पे ताज था, तख्त था,
हुकूमत थी, गौर कर रहा, तब तक आप उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन इधर जनाबे सैयदा की कनीज बन गई। अब उस खातून को कौन नहीं जानता है, उस औरत को कौन नहीं जानता है, गौर कर रहा, उस शहजादी को, भाई हमारे लिए तो शहजादी है ना जनाबे फिजा, गौर कर रहे आप, उनको कौन नहीं जानता है। जनाबे कंबर बादशाह के भतीजे थे, मगर कोई नहीं जानता था जब तक भतीजे रहे। जब अली के गुलाम बन के सामने आए तब कौन है जो नहीं जानता है, गौर कर रहे आप। इसका मतलब यह है कि जो इनकी नौकरी में नाम है वो शहंशाहियत में भी नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। जो इनकी गुलामी में नाम है वो शहंशाहियत में भी नाम नहीं है। अब आप मुतवज्जो हो गए हैं। और मैं बात का आगाज करूं कि शहजादी की शान क्या है, मर्तबा क्या है, क्योंकि उन्हीं के उन्वान से मजालिस हो रही है। शहजादी का मर्तबा क्या, तो दीन ही ना होता अगर शहजादी ना होती, इसलिए कि अल्लाह, भाई दीन तो बाद में शुरू हुआ ना। अल्लाह तो साहब लफ्जों में यह कह रहा है, ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, अगर आपको बनाना ना होता तो ये कायनात ना बनाता। फिर आवाज दी, हदीसे कुलसी यही पे तमाम नहीं होती, फिर आवाज दी, अगर अली को ना बनाना होता तो मैं आपको ना बनाता। फिर आवाज आई, अगर फातिमा को ना बनाना होता तो तुम दोनों को ना बनाता। गौर कर रहे आप, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना होता, कुछ ना होता अगर बतूल ना होती, अगर जहरा, अब बात शुरू हो रही, अगर जहरा ना होती तो कायनात में कुछ ना होता। कल मैंने अर्ज किया था कि दीन किसे कहते हैं, दीन किसका नाम है, याद आया, दीन कुछ और नहीं है, हुसैन का दूसरा नाम है दीन। बात पहुंची थी ना, हुसैन का दूसरा नाम है दीन। अब देखता हूं आप कितना आमादा हुए, हुसैन का दूसरा नाम है दीन। तो आप मुझे कहने दीजिए कि बतूल की आगोश में ये हुसैन नहीं है, बतूल दीन को पा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली, या अली, जहरा ने ये हुसैन को नहीं पाला, ये दीन को पाला है। भाई बतूल को कौन समझेगा, बीबी जहरा की शान को कौन समझेगा, उन तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। भाई अल्लाह ने हर चीज नबी पर नाजिल की है, नबी की तरफ भेजी है। नमाज का हुक्म नबी लेने नहीं गए, जिब्रील देने आए। रोजे का हुक्म नबी लेने नहीं गए, जिब्रील को भेजा गया। ज़कात का हुक्म नबी आसमान पर लेने नहीं गए, जिब्रील देने आए हैं। भाई मुतवज्जे है ना, जिहाद का हुक्म जिब्रील के जरिए आया, खुम्स का हुक्म जिब्रील के जरिए आया। सारे अहकाम अल्लाह ने भेजे हैं, नबी को बुलाया नहीं, लेकिन जब नूरे जहरा लेने की बात आई तो अल्लाह ने जिब्रील से भिजवाया नहीं, कहे मेरे हबीब तुम्हें आसमान पर आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये नहीं कहा कि जो अल्लाह हमेशा नबी से कहता था, ए मुदस्सिर, ए मुज़म्मिल, ए रसूल, गौर करें आप, हमेशा ओहदे से पुकारता था, फजीलतों से पुकारता था, तो जब नूरे जहरा लेने की बात आई तो अल्लाह ने ए मुदस्सिर नहीं कहा, मुज़म्मिल नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, आवाज दी सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दे, आवाज आई आपदा आपदा आपद के जरिए बुलाया गया। आप कहते हैं बंदे को, ए मेरे बंदे आ जा, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे। अरे अल्लाह दुनिया को समझाना चाहता है, ए मेरे हबीब जब नूरे जहरा लेने आना तो या ओहदादार बन के ना आना। अल्लाह अकबर, या ओहदादार बन के नूरे जहरा लेने ना आना, अब्द बन के आइए। नूरे जहरा की बात, ये खुद एक ओहदा है, ये खुद एक ओहदा है। आइए, अच्छा नबी पहुंचे, आसमानों की मंजिलें तय कर रहे, नूरे जहरा लेने जाना है ना, पहला आसमान, नबी पहले आसमान पर, फरिश्तों ने घेर लिया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखूका अली इब्ने अबी तालिब, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? इतनी आसानी से सुनेंगे?
हाँ देखिये फजाइल पर खुश होना यही तो शियत की पहचान है। दूसरे आसमान पर नबी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं। तीसरे आसमान पर ए नबी खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं। चौथा आसमान आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं। पांचवा आसमान आप पे सलाम, आपके भाई अली कैसे। छठा आसमान आप पे सलाम, आपके भाई अली कैसे। सातवां आसमान आप पे सलाम, आपके भाई अली कैसे। नबी पहले आसमान से आखिरी आसमान तक पहुंच गए, फरिश्तों ने सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। गौर नहीं कर रहे आप सलाम। अब देखता हूं ये जुमला कैसे सुनेंगे, कोई खिताबत नहीं, कोई नुक्ता नहीं, जो किताब में लिखा है सुना रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा। पहले आसमान से आखिरी आसमान तक नबी पहुंचे, फरिश्तों ने सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। आखिर सातवें आसमान पे नबी ने सवाल कर ही लिया है, फरिश्तों क्या तुम सब अली से वाकिफ हो, अली को जानते हो, तो सारे फरिश्तों ने एक जबान होके कहा, या नबी अल्लाह हम उस अली को कैसे ना पहचाने, क्योंकि किसी फरिश्ते में इतनी जुरात नहीं है कि वो बगैर अली की इजाजत के एक कदम भी आगे बढ़ा सके। और कर रहा तो अब नबी पहुंचे मंजिल मकसूद पर जहां जाना था। जब पहुंचे तो दो रवायतें हैं, आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं, देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। नबी जब मंजिल मकसूद पर पहुंचे और बातें शुरू हुई, मेराज है ना, बातें शुरू हुई, तो दो रवायतें। एक रवायत यह है कि आवाज आई पर्दे के पीछे से, आवाज आई, ए मेरे हबीब आप सबसे ज्यादा किसे दुनिया में चाहते हैं। का अपने भाई अली इब्ने अबी तालिब को, अली को चाहता हूं। तो एक रवायत है पीछे मुड़ के देखो। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो मौलाए कायनात मौजूद। ये वहां की बात हो रही है, देखता हूं अगले फिक्रे पे कौन ताईद करेगा कौन नहीं। वहां की बात का किसे चाहते हो, का अपने भाई अली को, का पीछे मुड़ के देखो, देखा तो अली मौजूद। एक रवायत ये। दूसरी रवायत यह है कि सवाल यही है किसे चाहते, का अली इब्ने अबी तालिब को अपने भाई को चाहता हूं, का नीचे झुक के देखो। अब जो नीचे नबी ने नजर की तो आसमानों के दरवाजे खुले, अली अपने घर के आंगन में खड़े हैं, अली आसमान की तरफ देख रहे हैं, नबी जमीन की तरफ देख रहे हैं। नहीं कर रहे आप, अली यहां से वहां की तरफ देख रहे हैं, नबी वहां से यहां देख रहे हैं। अब दोनों में से चाहे जो रवायत मान ले अली की फजीलत साबित है, चाहे जो रवायत माने अली की फजीलत साबित, अगर ये माने कि वही अली है तो मानना पड़ेगा कि मेराज में जहां नबी साथ साथ अली। गौर करेगा, अगर यही माने कि वहां अली मौजूद तो मानना पड़ेगा कि जहां जहां नबी वहां वहां अली, और अगर ये माने कि अली अपने आंगन में खड़े तो मानना पड़ेगा कि जो नबी ने आसमान पे जाके देखा वो अली ने आंगन में रह के देखा। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, या अली, या अली, या अली, अल्लाह। फजीलत तो साबित ही है, मुतवज्जे रहिएगा, इंशाअल्लाह सब ताईद करेंगे। और मैं बहुत खास बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, अब जो अल्लाह ने बात की अपने हबीब से तो अल्लाह ने खुदाई लहजे में बात नहीं की, अली के लहजे में बात की। अली के, ये तो हजार दफा का सुना हुआ वाकया है ना, मेराज में अल्लाह ने लहजे अली अख्तियार किया, इसलिए कि अल्लाह ने पूछा था किससे मोहब्बत करते हो, अली से, तो कहा जिससे मोहब्बत करते हो उसी के लहजे में बात करूंगा। अल्लाह बोला अली के लहजे में, किसके लहजे में, बात पहुंच रही है ना, अंदाजे अली में खुदाई बोल उठी। गौर कर रहे आप, अल्लाह ने बात की अपने हबीब से अली के लहजे में, अली के लहजे में बोला,
कौन? खुदा अली के लहजे में बात कर रहा है, अली के लहजे में बोल रहा है। अली के लहजे में दो ही बोले हैं, या आसमान का खुदा बोला या कूफे में बीबी ज़ैनब बोले। मैं पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं, खुदा के लिए जागिए थोड़ा सा भाई। अली के लहजे में दो ही बोले, या मेराज में अल्लाह या कूफे में जनाबे ज़ैनब, अली की बेटी। बीबी ज़ैनब ने जब बोलना शुरू किया तो एक नाबीना सहाबी कहता है, क्या कयामत आ गई? का क्यों? का ये लहजा तो अली का है और अली तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो ये लहजा कैसे? क्या अली आ गए वापस? कयामत आ गई है, अली वापस आए? का नहीं, अली की बेटी बोल रही है। तब सोचिए, वो जिसे दिखाई नहीं देता था उसे ऐसा लगा कि ज़ैनब नहीं बोल रही है, ज़ैनब नहीं बोल रही है बल्कि अली बोल रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आपकी खामोशी टूट जाएगी, मैं बहुत अजीम जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। साहिबान इरफान मेरे सामने बैठे हुए हैं, जुमले की तायीद चाहता हूं, सब तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने अजहान के औराद पर इस जुमले को लिखिएगा, याद रह जाएगा इंशाल्लाह। भाई अली के लहजे में बोली कौन? शहजादी ज़ैनब, अली की बेटी। बीबी ज़ैनब बोली अली के लहजे में। आसमान पर जब नबी पहुंचे तो खुदा बोला अली के लहजे में, बीबी ज़ैनब बोली अली के लहजे में। अब ये बताइए, पहले मेराज हुई या पहले करबला? भाई खुदा के लिए बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा, ज़हनों को हाजिर रखिएगा, बहुत अजीम बात आपके हवाले करने जा रहा हूं। भाई पहले तरतीब के लिहाज से पहले मेराज है या पहले करबला? का तरतीब के लिहाज से मेराज पहले हुई, वाके करबला बाद में। पहले है मेराज, बाद में है करबला। अब लहजे याद कीजिए, अल्लाह भी अली के लहजे में बोला, ज़ैनब भी अली के लहजे में बोली। अब मेराज है पहले, करबला है बाद में। तो अगर तरतीब के लिहाज से देखेंगे तो तरतीब यह बनेगी कि अल्लाह अली के लहजे में बोल रहा है और ज़ैनब खुदा के लहजे में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली, या अली। तरतीब तो यही बनेगी ना, वाकये के हिसाब से अगर देखेंगे तो अल्लाह बोला अली के लहजे में, ज़ैनब बोली खुदा के लहजे में। अरे शहजादी ज़ैनब की अजमतों को कौन समझेगा? बीबी ज़ैनब की शान को कौन समझेगा? सानिया जहरा है। गौर कर रहे मेरे अजीजों, बात आई है तो जुमला सुनते चले कि बीबी ज़ैनब जब दरबारे यजीद में पहुंची हैं, जुमला है बीबी पहुंची हैं तो यजीद ने एक जुमला कहा, कहा मैंने तुम्हारे तस्करे को ख़त्म कर दिया, मैंने तुम्हारा जिक्र मिटा दिया, अब कोई नाम लेने वाला ना रहेगा। किससे कह रहा है? अली की बेटी से। कहा तुम्हारे जिक्र को ख़त्म कर दिया, तुम्हारा तस्करा मिट गया, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, सबको मार डाला। तब बीबी ज़ैनब अभी दरबार पहुंची हैं, अभी दरबार पहुंची हैं और पहुंचते ही जैसे ही ये बात हुई, बीबी ज़ैनब ने एक दावा किया, आवाज दी वल्लाह ला तमहू ज़िक्रना, खुदा की कसम तू हमारे तस्करे को कभी नहीं मिटा सकता, हमारे जिक्र को कभी नहीं मिटा सकता। ये पहले दिन बीबी ज़ैनब ने जाते जाते दरबारे यजीद में दावा किया था। जब यजीद ने कहा जिक्र खत्म कर दिया तो बीबी ज़ैनब ने कहा तू हमारे जिक्र को कभी नहीं मिटा सकता, हमारे तस्करे को कभी नहीं खत्म कर सकता। पहले दिन बीबी ने दावा किया। अब समझे, जब रिहाई हुई है तो बीबी ज़ैनब ने 3 दिन का वक्त क्यों लिया था? बीबी ज़ैनब ने 3 दिन का वक्त लेके उसी शाम में मजलिसे हुसैन करके अपना जिक्र करके यजीद के नुकसान नजर पा एक ऐसा तमाचा मारा है और साबित कर दिया, देख यजीद मुल्क तेरा है, जिक्र हमारा।
हमारे तस्करे को खत्म करेगा। तुझमें इतनी हिम्मत है, तू हमारे जिक्र को कभी नहीं मिटा सकता। यह शहजादी ज़ैनब। अब जब नबी से अल्लाह बातें कर रहा है तो नूर ज़हरा अता किया और अली की विलायत का हुक्म दिया, हुक्मे विलायत अली और नूर ज़हरा अता किया। चूंकि ये दो अहम चीजें अल्लाह ने अता की तो ये आसमान पे जाना जाना ना कहलाया, मेराज कहलाया। अब नबी आ गए जमीन पर, आन के कहते हैं मैं मेराज पा गया था। तो असहाब ने पूछा कुछ बातें बताइए, नबी खामोश हैं। जब सब चले गए असहाब समझ गए शायद नबी नहीं बताना चाहते। सलमान ने फिर यही अकेले में सवाल किया, या नबी अल्लाह वहाँ की कुछ बातें बताइए। का इतना सुन लो कि मैंने 18,000 राज की बातें सिर्फ अली के लिए की है। अल्लाह से 18,000 राज की बातें सिर्फ अली के लिए की है, अली के लिए। कहा या नबी अल्लाह तो बताइए उनमें से कुछ। का भी वक्त नहीं है, इंतज़ार करो सलमान। का तो कुछ तो बताइए मेराज की बातें। का अगर आम बातें सुनना चाहते हो, जो ऐसी बहुत सारी बातें हुई वो बातें अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, ऐसी बातें तो बहुत सारी हुई जो बताने जा रहा हूँ। कया नबी अल्लाह बताइए। का अल्लाह ने बातों बातों में हमसे कहा ए मेरे हबीब, अगर अली के दुश्मन ना होते तो मैं जहन्नम बनाते ही ना। ऐसी बातें, ये वाक़या चूँकि इतना मशहूर है तो मैं बस याद दिला रहा हूँ आपको, मैं वाक़या नहीं पढ़ूंगा। अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम ना बनाता। तो ये तो बात, ऐसी बातें तो बहुत सारी हुई। अब नूरे जहरा अता हुआ नबी को, नूरे जहरा मिला, शहजादी का नूर मिला। लीजिए शहजादी इस दुनिया में तशरीफ लाई। अब नबी ने इरशाद फरमाया अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कफो ना होता, हम पल्ला ना होता। यानी इसका मतलब फातिमा जैसा कोई नहीं है। आहिस्ता से जुमला कहूँ, अली के लिए फातिमा को कफो बनाया, फातिमा के लिए अली को कफो बनाया। अगर इनमें से कोई एक भी ना होता तो शायद तौहीद खतरे में थी। गौर कर रहे हैं, अल्लाह ने एक दूसरे के लिए भेज के तौहीद बचाई है। मुतवज्जे है ना, तौहीद। अरे शाने फातिमा कौन समझेगा, एक जुमले में बता दूं, फजाइल तो मनाकिब भरे पड़े हैं। एक जुमले में मैं शाने सैयदा बताना चाहता हूं, सुने मेरे छोटे भाई, अगर आपसे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, इनकी दुआएं चाहता हूं, गौर कीजिएगा। अगर एक जुमले में जो जुमला समझ गया इंशाल्लाह लुत्फ उठाएगा और ताईद भी करेगा। आज की मजलिस का ये तोहफा है ये जुमला हमारी तरफ से, तबरुकन लेके जाइए फजीलत शहजादी का, गौर कीजिएगा बीबी की फजीलत का। एक जुमले में अगर आपसे कोई पूछे एक जुमले में तौहीद बताओ, तौहीद क्या है एक जुमले में बताना है, तो कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जुमले में अगर कोई पूछे तौहीद बताओ तो कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर एक कोई कहे एक जुमले में अली की शजाअत बताओ तो कह देना ला फता इल्ला अली। अगर कोई कहे तलवार की एक जुमले में शान बताओ तो कह देना ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तो जिस तरीके से अगर कोई कहे एक जुमले में तौहीद बताओ तो कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई कहे एक जुमले में अली की शजाअत बयान करो तो कह देना ला फता इल्ला अली। अगर कोई कहे एक जुमले में शाने ज़ुल्फ़िकार बयान करो तो कह देना ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अगर कोई कहे एक जुमले में शाने फातिमा बयान करो तो कह देना ला फातिमा इल्ला फातिमा। अल्लाह फातिमा के सिवा कोई फातिमा नहीं, फातिमा के सिवा कोई फातिमा नहीं, बतूल के सिवा कोई बतूल नहीं। और कर रहे हैं, ये रसूल की इकलौती बेटी है जिसे देख के रिसालत भी ताजीम करती, इमामत भी एहतराम करती। क्या शान है, क्या मर्तबा है शहजादी का। अल्लाह
बीबी ने एक वसीयत की जो आपके जहनों में महफूज है। क्या वसीयत की है? या अली, जिन लोगों ने मुझे सताया है उनको मेरे जनाजे में ना आने देना। सुनी हुई है ना, ये पहली बार सुन रहे हैं? का हजार दफा सुनी हुई है ये? हाँ, तो फिर साथ रहे ना। देखिए, अली के और अहले बैत के फजाइल का यही तो कमाल है कि फजाइल आले मोहम्मद तो मुर्दों से भी बुलवा लेते हैं। और ये जबान तो दी ही गई है ताईद आले मोहम्मद के लिए, ताकि आप फजाइल में तस्दीक करते रहें। इलेक्शन की रैलियों में तालियां बजा के नारे लगाने के लिए थोड़ी दी गई है, ये आले मोहम्मद के फजाइल पर सुभान अल्लाह कहने के लिए दी गई। और रवायतों में है, किताबों में बाकायदा उलमा ने लिखा है कि जो भी फजाइल आले मोहम्मद सुन के एक मरतबा सुभान अल्लाह तस्दीकन कहता है, अल्लाह उसके तमाम जबान के किए हुए गुनाहों को माफ़ कर देता है। और कर रहे हैं आप, तो इसका फ़ायदा भी मिल रहा है, इसका फ़ायदा भी। तो आप साथ रहिएगा, बोलते रहिएगा, इंशाल्लाह बात पहुँच जाएगी। और देखिए, गुफ्तगू का तरीका भी यही है, गुफ्तगू का तरीका भी यही है कि अगर दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात करें और मैं बोलूँ ही ना, तो आप भी कहेंगे कैसे हैं, इनसे बात करने का फ़ायदा क्या है, ये तो बोलते ही नहीं। बात में लुत्फ तभी आता है जब दोनों बोलने वाले हों, ऐसा ही है ना, दोनों बोलने वाले। बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम तो कहते हैं कि आप देखिए कि बेचैन हो जाते हैं आप जब व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, तो जब तक वो दो टिक ग्रीन नहीं हो जाते हैं तब तक आप भी बेचैन रहते हैं कि अभी देखा ही नहीं है मेरा मैसेज। तो वैसे हम भी इंतज़ार करते हैं आप बोलें ताकि पता चले हमारी बात पहुँच गई है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो बीबी ने एक वसीयत की कि या अली, जिन लोगों ने मुझे सताया, परेशान किया, उनको मेरे जनाजे में ना आने देना। है ना वसीयत? बिल्कुल। ये बताइए, हम भी नाराज होते हैं कभी, किसी से कोई बात हुई ऐसी, नाराज हो गए आप सब, किसी ना किसी से नाराज हो जाते हैं, कोई अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए। लेकिन कभी, ये तो सामने की बातें हैं ना, कि कभी कोई ऐसी बात हो गई तो हम भी नाराज हो जाते हैं रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, खानदान वालों से, जानने वालों से, दोस्तों से नाराज हो जाते हैं। तो नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? क्या शादी होगी? नहीं बुलाएंगे। कोई खुशी का फंक्शन होगा? नहीं बुलाएंगे। कार्ड नहीं भेजेंगे, दावत नहीं देंगे, खाने पर नहीं बुलाएंगे। लेकिन जब हम मरने लगते हैं तो ये भी वसीयत नहीं करते हैं कि फलां से हम नाराज हैं, मेरे जनाजे में ना आने देना। भाई थोड़ा जागिएगा, शायद कोई खास बात हो। भाई हम करते हैं कभी वसीयत? हम जो इतना भी नाराज हो, हम ये वसीयत नहीं करते हैं कि फलां साहब, उनसे हम बहुत नाराज हैं, वो जनाजे में अगर आए हमारे तो आने ना देना, मना कर देना। नहीं, हम खुशी में नहीं बुलाएंगे, खुशी में नहीं बुलाएंगे। कोई फंक्शन खुशी का होगा, नहीं दावत देंगे। शादियों में नहीं बुलाएंगे, कोई खुशी के फंक्शन में नहीं दावत देंगे, खाने पर नहीं बुलाएंगे। लेकिन ये भी वसीयत नहीं करेंगे कि जनाजे में ना आए। जनाजे के ऐसे कोई कुछ किसी को मना ही नहीं करता है, अगर आता है तो आ जाए। और कर रहे हैं आप, आता है तो आ जाए, वो उसका है मसला, आना चाहे तो आ जाए, मना भी नहीं किया जाता और बुलाया भी नहीं जाता है। और कर रहे हैं आप, लेकिन बीबी जहरा कह रहे हैं या अली, आने ना देना। ये नहीं कहा इत्तला ना देना, खबर ना करना। नहीं, खबर होती है हो जाए, इत्तला होती है हो जाए, आना चाहे ना आने देना, रोकना आने ना देना। क्यों? तो ये बात तब समझ में आई जब एक रवायत नजरों से गुजरी। एक रवायत जब नजरों से गुजरी तो ये बात समझ में आई कि शहजादी ने क्यों वसीयत की कि या अली, जनाजे में ना आने देना। रवायत ये है कि कोई शख्स, रवायत कह रही है, कोई शख्स अगर किसी मोमिन के जनाजे में चार पांच कदम चलता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। पर खुदा के लिए तो जाग जाए, पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। भाई रवायत है कि अगर कोई शख्स किसी मोमिन के जनाजे में चार पांच कदम चले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है।
अरे आप समझे बीबी जहरा ने क्यों कहा या अली जनाजे में ना आने देना। बीबी ने जनाजे से नहीं रोका है, मकसद का दरवाजा बन गया। मगफिरत का दरवाजा बंद किया। इनके लिए मगफिरत है ही नहीं, इनके लिए मगफिरत नहीं। गौर कर रहे मेरे अजीजों, या अली जनाजे में ना आने देना, वसीयत है जनाजे में ना। क्यों का सताया, परेशान किया, जुल्म किया, इनके लिए मगफिरत नहीं है, इनके लिए मगफिरत नहीं है। बिनते रसूल को परेशान किया, या अली ना आने देना, वसीयत है, आना चाहे ना आने देना, रोकिएगा। जैसे नबी ने कहा था तलवार ना उठाइएगा, वसीयत है, वैसे जहरा ने कहा आने ना दीजिएगा। गौर फरमा रहे मेरे अजीजो, तो आप समझे कि बीबी जहरा कितना नाराज थी इन लोगों से, शहजादी कितना नाराज थी इन लोगों से, कहा आने ना देना, आएंगे सोचेंगे कि गुनाहों की बख्शिश हो जाए, अब ना आने देना, मेरे बाबा का जनाजा छोड़ा है, नहीं आने देना, मुझे सताया, नहीं आने देना। तो आप गौर फरमा रहे मेरे अजीजों, अब आप देखें कि शहजादी की नाराजगी कहां तक है, कितनी नाराज है बीबी जहरा। और जिससे बीबी जहरा नाराज हो, तो ये हमारी नहीं गैरों तक की किताबें भरी पड़ी हैं, उससे अल्लाह नाराज है। नबी ने फरमाया जिससे जहरा नाराज उससे अल्लाह नाराज, अल्लाह राजी नहीं हो सकता। अल्लाह उसी से राजी है कि जिससे बतूल राजी, जिससे शहजादी राजी। शहजादी ने एक बार नहीं कई बार अपनी नाराजगी का इजहार किया। सलाम करने वाले आते हैं, बीबी जहरा ने जवाब ना देके नाराजगी का इजहार किया, और बल्कि यहां तो नाराजगी का इजहार नहीं किया बीबी ने, यह भी साबित कर दिया कि शहजादी बताना चाहती हैं ये तो मुसलमान भी नहीं है। मैंने कल अर्ज किया था कि हर कोई एहतराम नहीं करता, अर्ज किया था ना, याद आया, हर कोई इनका एहतराम नहीं करता, कौन करता। तो नबी के पास एक शख्स आया, साथ उसकी बीवी है और दो बच्चे हैं, यानी चार अफराद, मियां बीवी और दो बच्चे। नबी के पास आते, कहते या नबी अल्लाह, वो आदमी कहता मर्द शौहर उसका, कहता है कि या नबी अल्लाह ये जो दो बच्चे हैं, तो एक तो इसमें से मेरा है, लेकिन एक के लिए मुझे शक है कि इसने खयानत की है, तो मैं फैसला करवाने आया हूं, आप बता दीजिए कि दोनों बच्चे सही उन नस्ल हैं, दोनों बच्चे हलाली हैं। नबी ने कहा ठहर जाओ, बैठो। वो दोनों मियां बीवी भी बैठ गए, वो दोनों बच्चे भी बैठ गए। नबी कहते बिलाल जाओ मेरे दोनों बच्चों को बुला लाओ। बिलाल चले आए आका हसन हुसैन के पास, शहजादो नबी ने याद फरमाया, दोनों शहजादे चले। जैसे ही दरबारे रिसालत में आका हसन और हुसैन आते हैं, वो दोनों जिनके लिए फैसला होना है, वो दोनों बच्चे बैठे हुए, जैसे ही आका हसन और हुसैन को आता हुआ देखा, दोनों बच्चे एहतराम के लिए खड़े हो गए। जब पहुंच गया उसे सलाम है, मौला आपको सलामत रखे। दोनों बच्चे ताजीमन खड़े हो गए, एहतरामन खड़े हो गए, ताजीम में खड़े हो गए। अब ये दोनों आका हसन और हुसैन दोनों शहजादे आए, एक को नबी ने दाहिने जानू के मिंबर पर बिठाया, एक को बाएं जानू के मिंबर पर बिठाया। दोनों कुरान आगोशे रिसालत में, दोनों शहजादों की पेशानियां नबूवत ने चूमी, नबूवत इमामत की जियारत कर रही है, इमामत नबूवत की जियारत कर रही है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, इमामत को देख के नबूवत खुश हो रही, नबूवत देख के इमामत खुश हो रही है। एक मर्तबा नबी ने हसन उठाया और उससे कहा कि जाओ दोनों बच्चे हलाली हैं। एक मर्तबा उसने हाथ जोड़े या नबी अल्लाह, अभी तो हसनैन आए हैं,
अभी कोई फैसला कराया नहीं, अभी कोई बात की नहीं है, हम कैसे मान ले के दोनों बच्चे हलाली? का तुमने देखा नहीं कि जब ये मेरे दोनों बच्चे आ रहे थे तो ये दोनों तुम्हारे बच्चे ताजीम के लिए खड़े हो गए? ये ताजीम करना बता रहा है ये दोनों हलाली। अरे वहीं से हमें सबक मिला कि जब मासूम का एहतराम करे वो हलाली होता है, जब मासूम का एहतराम करे वो हलाली होता है। अब तारीख का दूसरा मंजर याद कीजिए कि जब बीबी जहरा दरबार में गई तो किसी ने एहतराम नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब दरबार में कोई सही नस्ल न था। अगर सही नस्ल होता तो जरूर ताजीम करता, मासूमा का एहतराम जरूर करता। भाई इनकी मोहब्बत का हुक्म दिया गया, इनके एहतराम का हुक्म दिया गया कि इनकी ताजीम करो, अहले बैत की इनका एहतराम करो। जा बजा अल्लाह ने आले मोहम्मद के फजाइल को, मनाकिब को, एहतराम को, ताजीम को कुरान में छुपा छुपा के रखा है। बाज़ आयतों ने जाहिर जाहिर रखा है। कुरान पढ़ते रहिए, तफासीर मासूम देखते रहिए। कुरान की दो तफसीरें, एक तफसीर है जाहिरी और एक तफसीर है बातनी। जाहिरी तफसीर सबके लिए होती है, बातनी तफसीर आपके लिए, अली वालों के लिए। इसलिए कि बातनी तफसीर मासूम से होती है और मासूम की बात वही मानेगा जो सही नस्ल भी हो, चाहने वाला भी हो। तो वो आप हैं, तो बातनी तफसीर आपके लिए। जैसे कुरान है इरशाद हुआ वह तीन है वह जैतून, तीन की कसम जैतून की कसम, दो पेड़ों की अल्लाह कसम खा रहा है। आप खाते हैं पेड़ों की कसम? कभी खाइए। आप यहां से बाहर निकल रहे थे, आपके दोस्त ने पूछा कहां जा रहे हो? कहीं मार्केट तक जा रहे हैं। उसने कहा यकीन नहीं है मार्केट जा रहे हो, वहीं पे एक पेड़ लगा था। आपने कहा इस पेड़ की कसम मैं मार्केट जा रहा हूं, वो मान जाएगा? कहा नहीं, पेड़ों की कसम कौन खाता है? तो आप नहीं खाते, अल्लाह तो खा रहा है। पत्ती ने बस जैतून, अल्लाह तो पेड़ों की कसम खा रहा है, आप तो नहीं खाते हैं। कोई खाता है पेड़ों की कसम? नहीं, अल्लाह तो खा रहा है। कसम खुदा की अगर मासूम ना होते तो कुरान समझ ही में ना आता। जब इमाम मासूम से पूछा गया मौला अल्लाह कह रहा है तीन है बस जैतून, तीन की कसम जैतून की कसम, ये अल्लाह पेड़ों की कसम खा रहा है, का ये कुरान का जाहिर है? का तो मौला बातिन क्या है? का बातिन देखोगे तो अल्लाह पेड़ों की कसम नहीं खा रहा है। का फिर का अल्लाह कह रहा है मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम। ये इसका बातिन है, ये तो जाहिर है वह तीन है बस जैतून। मगर हाँ, जाहिर भी मानना है, बातिन भी मानना है। इसलिए कि ज्यारत वारिसा है। अस्सलामु अलैकुम, जाहिरकुम व बातिन। और कीजिएगा मेरे अजीजों। तो कुरान ने जा बजा छुपा के रखा गया। अब कुरान की तीन लफ्जे हैं, बस ये आखिरी बात है, तीन लफ्जे हैं कुरान की जो सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है, सुम्मुम बुकमुन उमियुन, याद है ना? सुम्मुम बुकमुन उमियुन, ये तीन लफ्ज हैं कुरान के। आयत है ये, मैंने लफ्ज बताया आपको, ये पूरी आयत है जिसके हिस्से को मैंने छोड़ा, सिर्फ तीन लफ्ज लिए, सुम्मुम बुकमुन उमियुन। अल्लाह कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, थोड़ा जागिए ना, आखिरी मरहला है। अल्लाह कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाते। आप बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बताइए क्या कोई शरीफ कभी बहरे को बहरा कहता है? नहीं। गूंगे को गूंगा कहता है?
अंधे को अंधा कहता है? नहीं, शरीफ कभी नहीं कहता। शरीफ अगर बहरे, कोई किसी बहरे को देख लेगा तो इशारे करके अपनी बात समझाने की कोशिश करेगा। शरीफ कभी अंधे को देख लेगा तो बाजू पकड़ के मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। शरीफ अगर किसी गूंगे को देख लेगा तो किसी तरीके से उसे समझाने की कोशिश करेगा, उसकी बात समझने की कोशिश करेगा। ये शरीफ करते हैं ना, शराफत का मुजाहरा करते हैं। गूंगे को गूंगा नहीं कहते, बहरे को बहरा नहीं कहते, अंधे को अंधा नहीं कहते। मगर शरीफ नहीं कहता अंधे को अंधा, बहरे को बहरा, गूंगे को गूंगा। वो अशरफ का खालिक तो कह रहा अंधे हो बहरे हो गूंगे हो। अगर बात पहुंच जाए तो सब तारीफ कर दे, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह कह रहा है, शरीफ नहीं कहता अंधे हो गूंगे हो बहरे हो, मगर वो अशरफ का खालिक वो कह रहा है अंधे हो बहरे हो गूंगे हो। तो शरीफ नहीं कहता है वो क्यों कह रहा है? का गौर करो तो बात वाजे होगी। कुरान खुद कह रहा है फिक्र करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, गौर करो। तब गौर कीजिएगे तो बात वाजे होगी, मुतवज्जे रहिएगा। का क्या मतलब है? का कोई शरीफ किसी बहरे को बहरा नहीं कहता। सुनिएगा किसे कहा गया है, कोई शरीफ किसी बहरे को बहरा नहीं कहता, किसी गूंगे को गूंगा नहीं कहता, किसी अंधे को अंधा नहीं कहता। मगर हर शरीफ इतना शरीफ भी नहीं होता है कि किसी को भी बहरा नहीं कहता। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं। किसी को भी गूंगा नहीं कहता, किसी को अंधा नहीं कहता। का किसे कहता है? का बड़े से बड़ा शरीफ जो बहरे को देखता है कि बेचारे को दिखाई नहीं देता, उसे नहीं कहेगा अंधा। जिसे जानता है, इसे नहीं सुनाई देता, उसे नहीं कहेगा बहरा। जानता नहीं बोल पाता, उसे नहीं कहेगा गूंगा। लेकिन एक शख्स है जिसे ये देख रहा है कि अच्छा खासा 500 किलोमीटर से ड्राइव करके चला रहा, कहीं गाड़ी नहीं लड़ाई, अच्छा खासा देखने वाला, वो जब यहां आया तो आपसे टकरा गया। जैसा ही टकराया आपने सर उठाया, आवाज ही अंधे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दिखाई नहीं देता। आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा बोलने वाला, आपने कहा ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, चलो गवाह की जरूरत है, इन्हीं को ले चलते हैं। अब जब वो वहां कोर्ट पहुंचे और जज ने पूछा हाँ क्या बोल रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, तो अब वो खामोश खड़े, बोल ही नहीं रहे। तो आप भी कहेंगे गूंगे हो, बोल नहीं पाते हो। गौर कर रहे हैं आप, गूंगे हो, बोल नहीं पाते। आपने कहा ये लो 500 रुपए, फौरन सुना, फौरन आ गए 500 रुपए ले लिए। आपने जब वो वहां पहुंच गए, आपने कहा जाते जाते गिलास पानी भी पिला देना, अब सुने ही नहीं जा रहे हैं। जब अपनी फायदे की बात थी तो सुन ली, अब नहीं सुना। आप भी कहेंगे बहरे हो, सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं बात पहुंच रही कि नहीं, इंशाल्लाह लुत्फ उठाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ना सुनने वाले को बहरा नहीं कहा गया, ना बोलने वाले को गूंगा नहीं कहा गया, ना देखने वाले को अंधा नहीं कहा गया। कहा फिर, कहा जो सब कुछ देखता हो कहीं कहीं ना देखे वो अंधा, जो सब कुछ बोलता हो कहीं कहीं ना बोले वो गूंगा, जो सब कुछ देखे कहीं कहीं ना देखे वो अंधा, जो सब कुछ सुने कहीं कहीं ना सुने वो बहरा। अब बताइए कि किसे अल्लाह ने बहरा कहा, ये बात तो वाजे हो गई। तो अपनी तफसीर सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे मोहब्बत ही सुना के चले गए। मैं अल्लामा मौदूदी की तफसीर सुनाता हूं और बात खत्म। अल्लामा मौदूदी, अल्लामा मौदूदी ने अपनी तफसीर में लिखा यही तीन लफ्जों के ज़ैल में, सुम्मुम बुक्मुन उम्यून, इसी के ज़ैल में अल्लामा मौदूदी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह किसे अंधा कह रहा है, किसे बहरा कह रहा है, किसे गूंगा कह रहा। तो वो लिखते हैं कि अल्लाह ने ना सुनने वाले को बहरा नहीं कहा, ना देखने वाले को अंधा नहीं कहा, ना बोलने वाले को गूंगा नहीं कहा। फिर किसे कहा? तो अल्लामा मौदूदी लिखते हैं कि जो सब सुने हक ना सुने। तो खुदा के लिए जाग जाइएगा, नतीजा देने जा रहा हूं और बात खत्म हो गई। अल्लामा मौदूदी लिखते हैं कि अल्लाह ने जो कहा है बहरे हो, गूंगे हो, अंधे हो, तो वो कहते हैं कि जो सब सुने हक ना सुने वो अल्लाह की नजर में बहरा, जो सब बोले हक ना बोले वो गूंगा, जो सब देखे हक ना देखे
वो अंधा। अब अल्लामा मौदूदी तो लिख के चले गए कि जो हक ना सुने बहरा, जो हक ना देखे अंधा, जो हक ना बोले गूंगा। वो तो लिख के चले गए, मगर मैं पढ़ के चुप नहीं हुआ। मेरी जुस्तजू और जारी रही कि इन्होंने जो हक लिखा है कि हक ना सुनने वाला बहरा, हक ना देखने वाला अंधा, हक ना बोलने वाला गूंगा, लाओ तलाश करो ये हक क्या है। लाओ ढूंढो ये हक क्या है। तो तारीख में मिला कि नबी बैठे हुए हैं, एक नबी का चाहने वाला आता है, या नबी अल्लाह हम मकान में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम मैदान में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम हजर में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम सफर में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम मुसल्ले में होते हैं हम आप हक सुनाते हैं, हम कहीं भी हो आप हक सुनाते हैं। या नबी अल्लाह आज हम हक सुनने नहीं आए काफिर का, आज हम हक देखने आए, आज मुझे हक दिखा दीजिए। तो नबी ने हाथ उठाया, उंगली का इशारा किया, आवाज दी, वो जो हुजरा है रूम कमरा वहां जाओ हक नजर आएगा। अब जो वो सहाबी रसूल हुजरे के दरवाजे पर आया तो क्या देखा, अली मुसल्ला इबादत पर बैठे, अली मुसल्ला इबादत पर बैठे हैं। बस एक मर्तबा मुतवज्जे रहिएगा, मुसल्ला इबादत पर अली बैठे हैं। वहां से वो चीख के बोला, या नबी अल्लाह यहां तो अली का यही तो हक है, का यहां तो अली का यही तो हक है। वहां शायद कोई मेरा जवान भी खड़ा सुन रहा था, उसने वहीं से नारा बना लिया, अली हक अली हक। सुनिएगा, बस बात खत्म हो गई, अब नतीजा दे रहा हूं। हाँ, पर नतीजा सुने, बात मुकम्मल हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हक अली, बात पहुंच गई ना, हक अली, हक कौन है, अली। अब अल्लामा मौदूदी की तफसीर याद कीजिए, हक अली है, यह बात तो पहुंच गई ना कि हक है अली। अब अल्लामा मौदूदी की तफसीर क्या कह रही है, जो हक ना सुने बहरा, जो हक ना बोले गूंगा, जो हक ना देखे अंधा। अरे कब तक छुप छुप के बात की जाए, क्यों ना खुल के कह दिया जाए, जो अली अली ना बोले वो गूंगा, जो अली अली ना सुने वो बहरा, जो अली ना देखे। अली अली ना बोले गूंगा, अली अली ना सुने बहरा, अली अली ना देखे अंधा। अब कुरान कह रहा है अंधों को अंधा ही उठाया जाएगा। सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इनकी शान, इनका मर्तबा कुरान ने जा बजा बयान किया है, लेकिन उम्मत की समझ में नहीं आया, उम्मत की समझ में नहीं आया, क्योंकि उम्मत ने कुरान भी नहीं माना था। खाली दावा करना काफी थोड़ी है, हसबुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफी है, दावा करना काफी थोड़ी है, अमल भी जरूरी है, उसकी बात भी मानना जरूरी है। बस मेरे अजीजों, अगर कुरान की बात मान लेते तो कभी दर जहरा में आग और लकड़ियां ना जलाई जाती, दर जहरा पे आग और लकड़ियां ना लाई जाती, सैयदा को परेशान ना किया जाता, अली के घराने पर जुल्म ना होते। अल्लाहू अकबर। कल मैंने आपकी खिदमत में बाजार का एक मंजर अर्ज किया था, बाजार
गैरतदार लोग हैं मेरे अजीजो, शायद 2-3 मिनट ज्यादा हो जाएं, मुझे माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल उतना ही कम कर दिया जाए, मगर आज सुन लीजिए, बाजार अजीजो, ये सब तो मदीने की देन है। मदीने में अगर ये जुल्म ना होते तो करबला में आले मोहम्मद को सताया नहीं जाता। परेशान नहीं किया, काफिला असीर होके चला, कैद खाने में काफिला पहुंच गया। अब कैद खाना है और आले मोहम्मद है। शाम का वो जिंदान ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ अपने, शर्माया नहीं करो। तारीख कहती है कि काफिला कैद खाने में है, कैद सितम में है काफिला। अजीजो, मैं थोड़ा एक खाका पेश करूं, इसीलिए मैंने कहा था शायद 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाएं, 2-3 मिनट एक खाका पेश करूं, उसके बाद फिर मैं साहब सुनाता हूं तो आप रोते हुए उठेंगे। ये शाम जो है, सुने मेरे बच्चे ख़ास करके इन बातों को, शाम पूरा का पूरा अहले बैत का दुश्मन। आपने सुना है कि कितने साल तक कितने मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहा जा रहा था, हर खुतबे में मौला अली को बुरा कहा जाता था, हुकूमत की तरफ से ऐलान था, ये 40,000 मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहा गया, बाज़ रवायतों में 70,000, 40 साल तक बाज़ रवायतों में, जो भी मान लें, रवायतें मुख्तलिफ हैं, मुझे रवायतों के इख्तलाफ पर बहस नहीं करना है, मगर मौला अली को बुरा कहा। ऐसा मौला अली के खिलाफ पूरे शाम को किया गया था कि शाम के हाकिम ने अपने सिपाही बस्ती में छोड़ रखे थे, बस्तियों में छोड़ रखे थे, और कहा था कि अपने चेहरों पे नकाब डाले रहो, चेहरा छुपाए रखना, चेहरा छुपाए रखना, और अगर कोई चरवाहा अपनी बकरियां लेके चराने जा रहा है तो एक सिपाही उसकी बकरी को चुरा ले, उठा ले, और दूसरा सिपाही पीछे से चिल्लाता हुआ आए कि ये बकरी ले जाने वाले तो मौला अली हैं। सुनिएगा, एक खाका बता रहा हूँ, फिर मैं साहब सुनाता हूँ। एक खाका कि बकरी ले जाने वाले मौला अली। अगर कोई माँ अपने बच्चे को आगोश में गोद में लिए जा रही है तो उसके बच्चे को छीन लेना, और दूसरा चिल्ला के कहे ये छीनने वाले तो मौला अली। अब आप बताइए कि जब ये इतना किया गया था मौला अली के खिलाफ काम, ये शाम के सिपाही सब थे और नाम मौला अली का लेते थे, तो हर एक के दिल में अली की अदावत बैठ गई थी, हर एक के दिल में अली की अदावत बैठ गई थी, अली की दुश्मनी बैठ गई थी, और माजल्ला अली का नाम लेना लोग गवारा नहीं कर रहे थे। और कर रहे हैं आप, अली का नाम लेना गवारा नहीं कर रहे थे। ऐसा शाम, ऐसा शाम कि जहां सब के सब दुश्मन अली हों, चंद लोग अगर होंगे मोहिब अली तो होंगे, वरना ज्यादातर शाम में अहले बैत के दुश्मन सब। अब बताइए उस शाम में अहले बैत के मोहिब कैसे पैदा हुए, उस शाम में अहले बैत के चाहने वाले कैसे बन गए। अब ये खाका जहन में आ गया ना, अब सुने उस शाम में चाहने वाले कैसे बने हैं आले मोहम्मद के, जिस शाम में इतना अहले बैत के खिलाफ लोगों को भड़काया गया और माज़ल्ला अहले बैत के खिलाफ क्या क्या बातें की गई हैं। अल्लाहु अकबर। अजीजो, अब सुने कैसे मुहिब पैदा हुए। तो जब काफिला असीर होके शाम के कैदखाने में आया, कैदखाने में, तो जो कैदखाने का दरवाज़ा था उसमें एक जाली बनी हुई थी जिसके अंदर की तरफ पर्दा था, उस पर्दे को हटाइए तो जाली अंदर की तरफ, अब वो तो नहीं रहा है वो ज़माने वाला, तो
वो बाहर का नज़ारा दिखता था। अजीज़ों ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, ऐसा कैद खाना है, ऐसा कैद खाना है। अब कैद खाने में एक 4 बरस की बच्ची, मैंने आपको शाम बता दिया कैसा था, अब सुनना यहाँ से, अब यहाँ से सुनना, जब याद आएगा तब रो ले, तब रोएंगे आप। अब कैदखाने में एक 4 बरस की बच्ची है, 4 बरस की बच्ची है, शाम के जिंदान जिंदान के दरवाजे पर, शाम का कैदखाने के दरवाजे पर वो बच्ची आती है। क्या देखा उस जाली से कि कुछ शाम की छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं बाहर, बाहर की तरफ कुछ शाम की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां शाम की वो खेल रही हैं। अजीजों जब शाम की बच्चियों ने सर उठाया तो उस जाली की तरफ देखा, तो देखा कि कोई कमसिन बच्ची है जो मुझे देख रही है, कोई कमसिन बच्ची है जो मुझे देख रही है। तो बच्चियों को हुआ कि ये तो हमारे हम उम्र है, लेकिन इसकी जगह तो यहाँ हमारे साथ थी, ये कैदखाने में क्या कर रही है। अब वो बच्चियां अपनी जगह से उठती हैं और दरवाजे के करीब आती हैं, शाम के जिंदान के दरवाजे के करीब आती हैं, और बच्ची सकीना से सवाल करती है, शाम की छोटी छोटी बच्चियां सकीना से सवाल करती है, ए बीबी आप इस कैदखाने में किस जुर्म में आई है, ए बीबी आपने किसी का क्या बिगाड़ा था। सकीना अपने मसाइल सुनाती है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो शाम की बच्चियां सवाल करती है, ए बीबी आप क्या कोई जवान भाई नहीं है। आवाज दी, मेरा तो 18 बरस का एक भाई था। आवाज दी, बीबी तो नजर क्यों नहीं आता है। आवाज दी, सीने पर नैजा मार दिया गया। अब ये बच्चियां दौड़ी हुई अपने घरों में जाती थी और अपने घर वालों को बुला के कहती थी, अम्मा जो कैदखाना है शाम में बच्ची है, उसका 18 बरस का जवान भाई मार दिया गया। अब बच्चियां जब मसायब सुनाती थी तो लोगों के, शाम वालों के दिलों में मोहब्बत पैदा होने लगी कि ये कितने मजलूम लोग हैं, इन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा है कि पूरा घर इनका बर्बाद कर दिया गया, पूरा घर उजाड़ दिया गया। अब समझे शाम को मुहिम बनाने में बीबी सकीना का कितना बड़ा रोल है। सुनेंगे अजीजों, 4 बरस की बच्ची ने शाम वालों को अहले बैत का मुहिम बनाया, अपना मुहिम बनाया। सुनेंगे अजीजों, अब वो रोजाना शाम की छोटी छोटी बच्चियां अपने वक्त पर शाम के जिंदान के दरवाजे पर आ जाती थी और सकीना उधर से आ जाती थी अंदर की तरफ, सकीना बाहर की तरफ, शाम की बच्चियां। अब शाम की बच्चियां रोजाना सवाल करती, बीबी आपका कोई छोटा भाई नहीं है। सकीना तड़प के कहती थी, मेरा एक 6 महीने का भैया था, बीबी नजर नहीं आता का, गले पर तीर मार दिया गया। बीबी आपका चचा नहीं है, मेरा चचा भी था, बीबी नजर क्यों नहीं आता है, पानी लेने गया वापस ना आया। आवाज दी, ए बीबी कि आपका बाबा आपसे मोहब्बत नहीं करता है। सकीना कहती, ये क्यों कह रही हो, का मुझे देखो मेरा बाबा कितना चाहता है, उसी ने सर पर चादर डाली है, उसी ने कानों में बालियां पहनाई है। सकीना ने करबला का रुख किया, बाबा फरियाद, जैसे ही क्रिया शुरू किया बच्चियों ने तड़प के कहा, ए बीबी रोने का सबक, अरे मेरा बाबा भी बहुत चाहता था, उसने भी सर पर चादर डाली थी, कानों में बालियां पहनाई थी, लेकिन इधर बाबा के गले पर खंजर चला, बालियां छिन गई, चादर लुट गया। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। दो तीन जुमले खत्म हो गए मेरे, 2-3 जुमले और सुन ले और रो ले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, खत्म हो गई मैं। हाँ, अब ये बच्चियां रोजाना आती थी और मसायब सुन के घर वालों को बताती थी। दिन पर दिन मजमा बढ़ने लगा, ये बच्चियां अपने और दोस्तों को लेके आने लगी और हर शाम के घरों में ये बच्चियां जा जा के बताती थी, जो कैदखाने में है उन पर ये गुजरी है, जो कैदखाने में है ये मसायब हुए हैं, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होने लगी, कैसे मजलूम है, इनके घर को उजाड़ दिया गया, क्या किसी का बिगाड़ा था, मोहब्बत पैदा होने लगे। सुनिएगा, मोहब्बत पैदा होने लगी। लीजिए, एक शाम ऐसी आई कि ये शाम की बच्चियां बातें करके सकीना से चली गई। अब उसी रात में बीबी सकीना चौथे इमाम के पास आती है, ए भैया
ए भैया मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, इसलिए वक्त बहुत चाहिए है तो मैं तफसील छोड़ रहा हूँ, बस याद दिला के और दो जुमले और मजलिस खत्म कर दूंगा। अजीजो लीजिए, जनाबे सकीना चौथे इमाम के पास आती है और आन के कहती है, भैया अभी तक मैंने तुम आपसे कुछ नहीं कहा, आज ये सकीना एक वसीयत और एक सवाल लेके आई है। बहन बयान करो। आवाज दी, भैया ये बताइए क्या इंसान को जो प्यास लगती है, प्यासा होता है तो इंसान को जो प्यास लगती है इसके कुछ मरहले होते हैं? आवाज दी, हाँ बहन। कहा, भाई तो बयान करो। आवाज दी, बहन इंसान को जब प्यास लगती है तो उसका पहला मरहला ये है कि इंसान के होंठ सूख जाते हैं, होंठों पे पपड़ियां पड़ जाती है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो इंसान का गला सूखने लगता है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो जबान लड़खड़ाने लगती है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो जिस्म में कमजोरी आ जाती है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो इंसान का दिल मुरझाने लगता है। कहा फिर? कहा बहन, बहन प्यास का आखिरी मरहला यह है कि जिसके बाद इंसान का बचना मुहाल होता है, वो प्यास का आखिरी मरहला यह है कि इंसान की हड्डियां चटकने की आवाज आती है। बस एक मरतबा सकीना तड़प के कहती है, भैया अब तो सकीना की प्यास का यही आलम है। ए भैया वसीयत यह है कि मरने के बाद कहीं नम जमीन पर दफन करना, शायद मरने के बाद राहत मिल जाए। सुनना लीजिए, इसी रात को बाबा को ख्वाब में देखा, रोते रोते सकीना रुखसत हो गई, रोते रोते रुखसत हो गई, सिपुर्दे खाक कर दिया गया, सिपुर्दे खाक। अब वो शाम की छोटी छोटी बच्चियां अपने वक्त पर दूसरे दिन आ गई, अपने वक्त पर आ गई। अब बच्चियां इंतजार कर रही हैं लेकिन सकीना नहीं आई, सकीना नहीं आई। तो शाम की बच्चियों ने काफी देर इंतजार करने के बाद एक मर्तबा कैद खाने के अंदर देखा तो देखा कोई कैदी है जो लोहे में जकड़ा है। आवाज दी, ए भाई जो बच्ची मुझे मसायब सुनाती थी उससे कह दें कि मसायब सुनने वाली बच्चियां आ गई हैं, क्या आज वो मुझे मसायब ना सुनाएगी? चौथे इमाम आए दरवाजे के करीब, आन के कहते, ए बच्चियों अब मेरी बहन का इंतजार न करना, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई, सकीना ना रही। जैसा ही ये सुना शाम की बच्चियों ने, आपने बच्चों की कभी जिदे देखी है ना, कि बच्चे जब जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए है तो जमीन पर लेट जाते हैं और तड़पने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। रवायत कहती है कि जैसे इन बच्चियों ने सुना कि सकीना न रही, ये सब दौड़ी हुई बच्चियां अपने अपने घरों में आई और अपने माओ के सामने लेट गई और अपने माओ के सामने लेट के कहती है तड़प के, अम्मा मुझे सकीना से मिला दो, अम्मा मुझे सकीना से बात करना है, अम्मा एक बार सकीना से मिलवा दो। अजादारों सामने एक कौरान बपा हुआ, सकीना न रही, चार बरस की बच्ची कैदे सितम में गुजर गई, सकीना कैदे शाम। ज़माने की ज़रूरत में ताज़ी फ़रमाएँ, बिल्कुल नहीं समझ सकते।